हेलो दोस्तों, मैं हूं हार्दिक और आज आप देखेंगे कन्फेडर इंडस्ट्री से ड्राइंग प्लांट, मतलब कोई भी वेजिटेबल फ्रूट्स को आप ड्राई करके उसका पाउडर बना सकते हैं। इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन प्लांट। तो ये पूरी जानकारी मशीन के अंदर हम देखेंगे कौन कौन से मशीन लगते हैं। इसके अंदर एक ड्रायर मशीन लगता है, फील्ड ड्रायर हो गया यानी मॉइस्चर पूरा उड़ गया, उसके बाद इसमें लगता है पल्वराइजर मशीन। तो पल्वराइजर में कौन कौन सी वेरायटी होती है, उसी के साथ में रहेंगे सेविंग मशीन जो अपने पाउडर को छानने का काम करेगा, और उसी के बाद में आप पाउच पैकिंग की सीरीज भी पूरी लगा के यानी 5 से 7 मशीन लगा के आप पूरा प्लांट खरीद सकते हैं और अपना नया बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं फूड इंडस्ट्री के अंदर। तो चलिए मशीन समझते हैं। सबसे पहले आपको लगेगा ड्रायर मशीन, तो ड्रायर मशीन स्टार्ट करते हैं। ये रहा ड्रायर मशीन, हम इसको समझते कैसे करेंगे। सबसे पहले पावर बटन ऑन करना है, उसके अंदर हम टेम्परेचर और टाइम दो चीज सेट करते हैं मशीन के अंदर। और अभी हमने डेमो के लिए वेनिला लिया है, जो यानी मॉरिशियस कंट्री में पाया जाता है, वहां पे वेनिला जो फ्लेवर के आइसक्रीम कॉर्न वगैरह सब कुछ मिलते हैं। तो हवा हम मशीन के अंदर हमने वो रखा हुआ है, तो आप वो देखेंगे कि ये देखिए हमने वेनिला रखा है। तो ये क्या एक्चुअली में मॉइस्चर वाला है, तो उसको हम रखेंगे और उसको बाद में हम सुखाएंगे। इसके अभी आप रियल में देखें तो स्मेल जो एकदम वेनिला फ्लेवर की प्रॉपरली स्मेल आ रही है। A few moments later. अभी मशीन जैसे ही बंद होता है तो उसमें ध्यान रखना है कि आप डोर ओपन कर लें। ये डोर तो गर्म नहीं होगा, पर अंदर की साइड पे मशीन गर्म हो सकता है, तो ध्यान रखें। उसके बाद में आपको हैंड ग्लोव या कपड़े से ही ट्रे को निकालें, वरना क्या होगा कि ट्रे में हुआ कोई भी जला हुआ माल आपको हाथ भी जला सकता है। उसमें मटेरियल को निकालने के बाद उसको थोड़ा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, यानी वो जैसे ही नमी या छोड़ देती एकदम सूखा और क्रंची हो जाता है। उसके बाद में हम पल्वराइजर में डालेंगे। तो पल्वराइजर में हमारे पास 2 सीरीज है, ये नॉर्मल 2-in-1 पल्वराइजर जो बोला जाता है, ब्लेड वाला रहता है जो विदाउट साइक्लोन है। तो इसके अंदर आप वो मटेरियल कर सकते हैं जिसके अंदर आपको कलर टेक्सचर की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, इसमें आपको थोड़ा स्मेल या क्या कहते हैं थोड़ा मटेरियल टेम्परेचर पकड़ लेता है तो उसमें दिक्कत नहीं आती। वो सभी चीज आप इस मशीन के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। और जिसके अंदर ऑयल नहीं है, अगर कोई भी आप सुखा रहे हो, कोई भी मिर्ची है, सपोज मिर्ची आप सुखा रहे हो, धनिया सुखा रहे हो, उसके अंदर अगर किसी में जीरा सुखा रहा है तो उसके अंदर ऑयल रहता है। तो ऑयल के अंदर क्या हो गया कि ये पल्वराइजर के अंदर आप नहीं चला पाएंगे। उसके लिए आपको ये पल्वराइजर चाहिए जो क्या है, इसके अंदर साइक्लोन एयर सर्कुलेशन ज्यादा रहता है, तो मटेरियल वो गर्म नहीं होता और इजिली ठंडा, और उसका जो बाय नेचुरली कलर है वो कलर भी चेंज नहीं होता, यानी मटेरियल जलता नहीं है। उस हिसाब से वो इस मशीन में मिलता है। ये दोनों स्टेनलेस स्टील मशीन वाले हैं। उसके बाद में तीसरा वाला जो मशीन है उसके अंदर वाइब्रो शिफ्टर है, सेविंग मशीन भी बोला जाता है उसको। उसके अंदर आपको मटेरियल सेविंग करना है, मतलब क्या होगा, जो जाली लगाई है, जाली में से जो पाउडर निकलता है वो एक साइड से निकल जाएगा और बड़ा वाला दाना है वो दूसरी साइड से निकल जाएगा। तो इस हिसाब से आप पाउडर आपको एक परफेक्टली एक ही साइज का मिल गया, उसको पैकिंग करके आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। इसके अंदर हमने जो पाउडर डाला, ये जो जाली लगाई है 50 मेस की लगाई है, इसके नीचे जो पाउडर गिरेगा वो यहाँ से आउटलेट होके गिरेगा। दूसरा जो यानी 50 मेस से बड़ा पाउडर है यानी 60 मेस 70 मेस का है वो उस कंटेनर के में गिरा है। तो इस हिसाब से आप मेस की साइज भी चेंज कर सकते हो और इस हिसाब से पाउडर
अलग मैच साइज का आप पूरा अलग से ले सकते हो। तो ये जो पाउडर हमने किया है एकदम बारीक, और ये 50 मेस वाला है, और उस साइड कलेक्ट हुआ है वो 60-70 मेस वाला कलेक्ट हुआ है। अगर इस वीडियो को आपने आधा मिनट भी देखा है तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आप फूड इंडस्ट्री का भी कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, तो आपको न्यू आइडिया हमारी चैनल आपको दिखाती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।